हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देवरताल के लिए और मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे दोस्त जा रहे हैं देवरताल के लिए, और सोचा कि आज एक व्लॉग बनाया जाए। तो चलते हैं दोस्तों सफ़र में, और आप भी इंजॉय लेते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं चलते हैं बाइक पे। बाय बाय। वो यहाँ पे अपनी बाइक, और बाइक को करते हैं स्टार्ट। दो तीन बंदे जो अभी हमारे साथ के पीछे आ रहे हैं, उनके लिए रुके हैं थोड़ा सा, और जैसे ही वो आएंगे उसके बाद चलते हैं। तब तक अभी हम चौथा पहुंच गए हैं, तो बाकी जो मेरा कुछ दो चार भाई बहन जी थे तो वो वापस चले जा चुके हैं। तो अब हम भी यहाँ से देखेंगे कि क्या होता है यहाँ से सीन। तो यहाँ से अभी हम चौथा पहुँच चुके हैं, यह है आपकी देवभूमि, आपका स्वागत है कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा पानी ब्रेक के लिए रुके हैं, और हमारे साथ वाले हैं अभी पीछे, तो पानी पियेंगे थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। और एक ये बंदा, इसको फेंटा अलग ही चाहिए, और ये अपना मोटो है, मोटो पतलू में मोटा मोटा यही है। तो मिलते हैं आगे रास्ते में। तो इसके बाद अभी जो हमारे साथ वाले हैं वो आ रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी में थे तो हम जल्दी आए, और वापसी अभी जोशीमठ के लिए जाना है। तो पहले यहाँ से अभी चल देंगे ऊपर देवरताल के लिए, और लगभग अभी बज रहा है 4:30, और तो देखते हैं 5:30 या 6 बजे तक ऊपर जाएंगे। वहाँ से लगभग आधा घंटे तक वहाँ पर वेट करेंगे, और देखेंगे कि वहाँ का जो लोकेशन है वो कैसा है, तो आपको दिखाएंगे सब कुछ, आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहे। पहली बार आ रहे हैं इधर, तो अब किधर? इधर इधर। अच्छा, इधर को ठीक है। इधर भाई लोग बोल रहे हैं हमको नहीं निकाल रहे हैं, तो ये भी है मेरे साथ वाले। 1 2
अभी हम चल चुके हैं 1.5 किलोमीटर, 1.5 नहीं आधा किलोमीटर, और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और है। और यहाँ से नीचे देखो ऊखी मठ का नज़ारा बिल्कुल ऐसा है। अब भाई देखो यहाँ पे पहुँच गए देवरा ताल में, और यहाँ पे एक अंकल जी की दुकान है। किस नाम से? ये पंच केदार एडवेंचर के नाम। देवरा ताल से 250 मीटर से थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक टी ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। जी बताइए किस लिए फेमस है ये? फेमस ऐसा है, हाँ जी, कि नागदेव नाग आया, घेरा मारा। अब घेरा मारा तो वहाँ पानी निकल गया, वहाँ तालाब बन गया। तब जाके पांडव आए, पांडवों ने वहाँ वो किया, खुला किया, और उसके बाद के वो पांडव वहाँ नहाने ले गए। तब बादी आई, बादी भी नाचे, बादी रहते थे उनके साथ, तब जाके वो फेमस बना। और क्या बना वो? अच्छा यही बात है, हाँ, इसीलिए देवरा ताल फेमस है। इसीलिए देवरा ताल। साथ वाले दोस्त अब आ रहे हैं, जब तक हमने आधी से ज्यादा वीडियो बना दी है, तो ये लोग अब आ रहे हैं। तो गाइस देखते हैं अभी यहाँ पे कितने लोग पहुंचे। अभी आधा लोग पहुंचे, वैसे पूरे भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ हाँ जी, ना 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 ना, इतना नहीं ला। ये देखो आप देवरिया ताल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।